कॉलेज में आ गया जी, सिराजुद्दौला कॉलेज जी में आ गया, बड़ा मशहूर कॉलेज है जी जी। उसमें हमारे प्रिंसिपल मुमताज हसन साहब एशिया के सबसे बड़े नाकदीन में शुमार होते थे वो, और कॉलेज में वो जो आकर एक यूनियन यूनियनबाजी तलबा सियासत ये सब होता था। अच्छा, उसमें हम बहुत आगे आगे रहते थे, ठीक है। और वो मुमताज हुसैन साहब जो है वो बेचारे हमसे बहुत तंग रहते थे। ये सन है 72-73 की, इसके बाद जमाना शुरू हुआ आपका जिसमें आपने रोजगार के हवाले से मांगा। हाँ, रोजगार देखिए हुआ क्या कि 78 में मेरे वालिद का इंतकाल में हो गया, और उनके स्वयं के अगले रोज से मैंने जॉब शुरू की। कहाँ पर? पहली जॉब मैंने की KRTC, उस जमाने में एक बस चलती थी, उसमें मुझे फ्यूल अटेंडेंट की जॉब मिल गई, और रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मैं कोई 150 बसेस में फ्यूल डालता था, और वहाँ से फारिग होके सीधा कहाँ, अपने कॉलेज, वहाँ से 2 बजे फारिग होकर घर आता था। घर आने के बाद मुझे जाना होता था अखबार के दफ्तर। उस जमाने में वो छोटे मोटे अखबार थे, ऐलान, अमन, और बहरहाल फिर वहाँ से मुझे हुर्रियत में मैंने ज़्यादा वक्त गुजारा, और फ्री लांसिंग मैंने जंग और अखबार जहाँ में भी की। लालू खेत से पैदल मैकलो रोड जंग के दफ्तर के पास मैं जाता था, घर आता था वापस, कि उस जमाने में कॉलेजेस में यूनियन वीक मनाया जाता था। सही। उस हफ्ते में दीगर चीज़ों के अलावा एक दिन मशायरे का भी होता था, ठीक है। तो मिसरे तरह दिया गया, ज़रा सी देर में क्या हो गया ज़माने को, ये उस्ताद कमर जलालवी का मिसरा था जी। सदारत थी रईस अमरोही साहब की, क्या और कंपेयरिंग कर रही थी मोहतरमा परवीन शाकिर। सही। जाने के लिए उस प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल का इजाज़तनामा ज़रूरी था, ठीक। तो हमने कहा कि भाई हमको भी जाना है, तो मुमताज साहब ने कहा कि मैं चलो भागो यहाँ से, वहाँ पर खुद लिखना होता है, कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी आपकी वहाँ। हाँ हाँ, वो इमेज बन रहा था हमारा। सही, सही, सही। कहना चलो भागो यहाँ से। उर्दू के प्रोफेसर थे उस वक्त रईस अलवी साहब, बड़ा नाम। अच्छा, हमें पता ही नहीं था ना ये कौन लोग हैं, क्या कहने। रईस अलवी साहब, हम उनकी जान को आ गए। सही। तो उन्होंने जाके उनसे कहा, मुमताज साहब दे रहे, दे दीजिए गैस, खुद बेइज्जत होगा। हाँ, दे दीजिए। हाँ, उन्होंने कहा दे दीजिए, दे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, वरना ये गुंडागर्दी यहाँ पर करता रहेगा। सही, सही। तो खैर वो हमें मिल गई इजाज़त। मिसरा था जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। उसमें हमने जब लोग स्टेज पे गए तो हाल में सीटियां बजना शुरू हो गई, दम कहने, ये पता नहीं कौन आदमी। अच्छा, सेहत माशाल्लाह उस जमाने में बहुत ही नामकूल हद तक की कम थी। सही। तो लोगों ने सीटियां बजाना शुरू कर दी और ये वो, लेकिन उस जमाने में आवाज़ बहुत अच्छी थी। सही। तो हमने जब मतला पढ़ा जी कि मिला ना कोई हमारे सिवा जमाने को,
منیم جا ہی ملا ہوں فقط ستانے کو، اب سناٹا ہو گیا بالکل. اور تضمین کی میں نے، میں نیم جا ہی ملا ہوں فقط ستانے کو، وہ کیونکہ ان کا تھا کہ ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، یہ مصرع تھا، اس پہ میں نے تضمین کی کہ مصرع یہ جن کا ہے انہیں یہ بھی خبر نہیں ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. تو جناب وہ بہرحال اس میں تیسرا انعام ہمیں ملا. تو اب جب اگلے دن اخبار میں یہ نیوز آئی تو ممتاز صاحب نے کہا کہ اس نے ضرور کوئی ماں گنڈا گردی کی ہوگی، اس کا شاعری سے کیا تعلق، دور دور تک کوئی تعلق نہیں.